नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, किसी को पान गुटखा सिगरेट की लत तो किसी को शराब ड्रग्स और अफीम की लत। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिसकी लत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के सतना में रहने वाले इस शख्स का नाम है संजय विश्वकर्मा उर्फ बबलू। इसकी लत ऐसी है जो दुनिया से बिल्कुल बिरली है। इस शख्स को पेपर पिन खाने का शौक है। इस शख्स के मुंह में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में पेपर पिन जमा हैं और ये पिन करीब 38 सालों से यह अपने मुंह में रखे हुए है। यह शख्स मुंह में पेपर पिन रखते हुए भोजन भी करता है, सोता भी है और ब्रश मंजन भी करता है। आपको आज हम उस शख्स से मिलाएंगे और आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे मुंह में सैकड़ों की संख्या में पेपर पिन रखने के बाद भी वह शख्स भोजन करता है, नाश्ता करता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ हैं संजय विश्वकर्मा जी, जो पिछले 38 सालों से मुंह में पेपर पिन जमा कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये शौक कब से शुरू हुआ। संजय जी, आप बताइए, आप मुंह में पेपर पिन क्यों रखते हैं? हाँ जी, अब ये शौक हो गया हमारा। और पहले तो ये था कि कहीं सुपाड़ी उपाड़ी फंसती थी, उस कारण रखते थे। और अब लोगों के बीच में इसी से हमारी पहचान बन गई है, इस कारण अब शौक है। और मुंह में कितनी संख्या में आप पेपर पिन रखते हैं? शुरुआत एक से हुई थी, आज 150 के लगभग हो गई है, 150 के ना। लगभग कितने सालों से आप मुंह में पेपर पिन रख रहे हैं? तब आपकी उम्र क्या थी जब आपने मुंह में पेपर पिन रखना शुरू किया? 12-13 साल की उम्र रही होगी। उसी समय शौक था, कभी कभी पान खा लेते थे, तो उसी समय से पिन का दौर आया और लगातार फिर बढ़ता गया और 150 की संख्या आते आते 38 साल हो गए। मुंह में आप पिन रखते हैं, क्या वो मुंह में गड़ती नहीं है? आपको किसी भी तरह की चोट नहीं आती है? नहीं नहीं नहीं, कभी उसका एहसास नहीं होता। मैं तो अंदाज भी नहीं होता कि मुंह में कुछ है। क्या आप मुंह में पिन रखे हुए आप भोजन भी कर लेते हैं या पिन को बाहर निकालते हैं फिर भोजन करते हैं? हाँ, अब ऐसा है कि पिन को निकालना ही नहीं पड़ता। सोने में उठ के ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, मतलब कोई भी दिनचर्या जो भी है हमारी, सब कुछ करते हैं। पिन अपनी जगह ही रहती है, उसको हटाना नहीं पड़ता। मुंह में पिन रखे रहते हैं और आप भोजन भी कर लेते हैं जी, आपको इससे कोई नुकसान या डॉक्टरों ने कभी आपको कुछ चेताया हो? नहीं, डॉक्टरों ने देखा है और स्किन वगैरह देखा तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई भी इम्प्रेशन नहीं है कि पिन से आपको कोई नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है, और हमें भी कभी महसूस नहीं हुआ। मुंह में आप पिन रखते हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ कि पिन आपके मुंह के अंदर चली गई हो? हाँ, बहुत समय पहले, करीब 20 साल पहले एक बार ऐसा हादसा हुआ था, जानकारी में चली गई थी। रोकते रोकते पानी पी रहे थे और वो सरकी है तो फिर पकड़ में नहीं आई, चली गई और वो निकल भी गई, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप बता रहे हैं कि पिछले 38 सालों से मुंह में पिन आप रख रहे हैं, तो क्या पिन मुंह में रखे रखे वो घुल भी जाती है या आपको चेंज करना पड़ता है समय समय पर पिन? नहीं नहीं, बदलते नहीं है, कभी नहीं बदले। और वो आपस में लड़ते हुए जो है, टकराते हुए घुर जाती हैं और गल भी जाती हैं, तो बदला नहीं कभी। कहीं मिल जाती हैं तो संख्या बढ़ती है। आपके परिवार के लोग इस बात को लेकर कभी ऑब्जेक्शन किए हों कि आप मुंह में पेपर पिन क्यों रखते हैं, आप मत रखिए, आपके परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन रहा है? बचपन में तो बहुत ऐतराज था, मम्मी थी, पापा जी लोग ऐतराज करते थे, और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया तो उनका ध्यान भी हट गया
और मतलब कभी ऐसा उनको शो नहीं किया हमने कि मुंह में हम पेन रख रहे हैं उनको दिखे नजर आए, ऐसा ऐसा मतलब वो कभी हुआ ही नहीं। और फिर दिमाग से उतर गया और हम रखते गए, तो अब लोगों को जो हमारे बीच में रहते हैं कभी उनको बताते हैं तो उनको भी आश्चर्य होता है, अरे इतने समय से साथ में जुड़े हैं और हमें जानकारी नहीं आज तक। तो अब वो म्यूचुअल हो गया तो हम भी कभी शो नहीं करते और ना कोई ऐसी स्थिति होती। कभी ऐसा दिन आया हो जिस दिन आप मुंह में पेपर पिन ना रखे हो और आपको अच्छी नींद आई हो, ऐसा क्या कोई दिन आया है कि आपने मुंह से सारी पिन निकाली हो बाहर? नहीं नहीं नहीं, निकालने का तो एक ही टाइम होता है, कभी दो चार छह महीने में जैसे वो टेढ़ी वेढ़ी हो जाती है तो बैठ के एक दिन पिंचेस से सीधी करते हैं और वापस रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसको निकालने के बाद हम सो गए हों या हम निकल गए हों घर में रख के, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको डर नहीं लगता कि ये पिन मैं सो जाऊंगा और पिन मुंह के अंदर चली जाएगी, मेरी जान भी जा सकती है? अब दोस्ती की है, मतलब आपने पिन से दोस्ती कर ली है? जी बिल्कुल, दोस्ती हो गई है, हमारी वो दगा नहीं देगी। अच्छा, मुझे सुनने को मिला कि आपका जो एक बेटा है वो भी आपकी तर्ज पर मुंह में पिन रखना शुरू किया था, क्या बात थी इसमें, क्या सच्चाई? शौक था, कुछ दिन रखा उसने, फिर बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उस कारण उसने शौक को वहीं पे विराम दे दिया। 38 साल हो गए पिन रखे हुए, मुंह में पिन गल जाती है, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है, ना अंदर से कोई अभी प्रॉब्लम हुई है, एकदम स्वस्थ हैं पूरी तरह से। आपने क्या डॉक्टरों से कभी चेकअप कराया कि इसका साइड इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी जबलपुर में डेंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से चेक किया था और उनका ओपिनियन था कि कोई दिक्कत नहीं है इससे। जब आप ब्रेस्ट मंजन करते हैं तब भी ये पिन बाहर नहीं आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी ने पेपर पिन से पूरी तरह दोस्ती कर ली है और आज भी इनके मुंह में करीब 150 की संख्या में पेपर पिन रखी हुई है। अब हम वो नज़ारा भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये मुंह में पेपर पिन रखे हुए हैं और पेपर पिन रखते हुए ये कैसे नाश्ता करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और लाल वाली सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई स्पेशल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।